जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आज हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए आए हैं यहाँ पर, और सभी स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। देखिए, हरियाणा में आपको पता है सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। 33% अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर है। जितने भी अपने राज्य हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेशन करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये 27 फरवरी को एक कैंपेन शुरू हो रहा है। इस पर ये ट्विटर पर शुरू होगा। आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं? ट्वीट करने हैं। और कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ट्वीट करने से क्या होगा। फ्रेंड्स, आज जो जमाना है डिजिटल है, 5G का जमाना आ गया है, 4G से तो हम आगे निकल चुके हैं। और डिजिटल स्ट्राइक, इसी को बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक, सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे आसान, बेहद आसान तरीका है। ना ही आपको कहीं पे गैदरिंग करने की जरूरत है, ना ही आपको कहीं इकट्ठे होना है। पहले क्या होता था, किसी भी एग्जाम में कुछ धांधली हो जाती थी तो लोग इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करते थे। तो ट्विटर आज एक तरह का धरना प्रदर्शन बन चुका है लोगों के लिए, आप सब स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। जो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले या दूसरे जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो जिस तरह स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की और वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर डालिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर डालिए, अपने टेलीग्राम में अवेयरनेस फैलाइए, अपने यूट्यूब अकाउंट से जो है अवेयरनेस फैलाइए कि 17 फरवरी 2021 को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, सुबह 11 से शाम 5 बजे तक #, ये आपको ट्रेंड करवाने। कौन कौन से देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ #खट्टर रोजगार 2, #HSSC डिफाइन एग्जाम कैलेंडर, क्योंकि HSSC अपना कोई कैलेंडर ही डिफाइन नहीं करती कभी, इससे स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है। अब आप ये देख लीजिए, 2019 के अंदर फॉर्म भरे थे, अभी तक 2021 में उनका कई एग्जाम्स का पेपर नहीं हुआ। 2016 में किसी ने पेपर दिया था, 2021 में उसका रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब 5 साल बच्चा जो भी स्टूडेंट है, जो भी है, वो वेट करता रहे कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था, मुझे एग्जाम अभी मेरा क्लियर हो जाएगा, मुझे जॉब लग जाएगी। इनकी वजह से आगे सब कुछ लेट होता जा रहा है स्टूडेंट की लाइफ में। घर से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, जयपुर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटीज में जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट 0 मिल रहा है। इसका कारण क्या है कि बच्चे पढ़ते नहीं है? ऐसी बात नहीं है, बच्चों में बहुत नॉलेज है, बच्चे बहुत पढ़ते हैं और बच्चे बहुत मेहनती हैं, लेकिन फिर भी जो है सरकारें क्या करती हैं, कभी रिजल्ट डिले करवा दिया, कभी नॉर्मलाइजेशन कर दी, कभी कुछ कर दिया, कभी एग्जाम, जैसे अभी ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, काफी स्टूडेंट्स का हुआ था एग्जाम, लेकिन क्या हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। और ना ही HSSC ने अपना कोई सिलेबस डिफाइन कर रखा है कि एग्जाम सिलेबस क्या है। दूसरी तरफ क्या है, HCS भी जो है हर साल होना चाहिए, क्योंकि अगर राजस्थान हर साल करवा सकता है, पंजाब हर साल करवा सकता है, सबसे अच्छी चीज है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC हर साल कंडक्ट करवा रहा है, हिमाचल हर साल कंडक्ट करवा रहा है, तो हरियाणा को क्या बीमारी हो रही है? हरियाणा वाले क्यों नहीं करवा सकते हर साल कंडक्ट? चाहे ये 60 वैकेंसी के लिए करें, लेकिन HCS हर साल कंडक्ट करवाना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ पढ़ के पागल हो जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार जो है स्टूडेंट्स के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। तो आप लोगों को आगे आना चाहिए, आप लोगों को आकर ये जो है ट्रेंड करवाना पड़ेगा। बिहार के लोगों ने भी ट्रेंडिंग करवाया था, जिस तरह से आपको मैं बता दूं, एक रिसेंट सक्सेसफुल ट्रेंड क्या रहा था कि रेलवे का एग्जाम नहीं हो रहा था, रेलवे की कोई एग्जाम डेट भी यहाँ पर नहीं बताई जा रही थी, तो स्टूडेंट्स ने रेलवे एग्जाम लो ये सारे ट्रेंड करवाए थे ट्विटर पर। और हर जो 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मनाया था स्टूडेंट्स ने, तो उससे बहुत यहाँ पर हेल्प मिली थी, डिजिटल स्ट्राइक हुई थी, और फिर उसके बाद 1 वीक के अंदर अंदर ही रेलवे ने अपना क्या है एग्जाम कैलेंडर जो जारी कर दिया कि आपके जो है दिसंबर से एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे, तो एग्जाम शुरू हो भी गए। तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कैंपेन फैलाइए, कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। स्टूडेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को दूसरे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फेसबुक अकाउंट पे शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि 17 फरवरी 2021 को 11 से लेकर 5 बजे तक ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है हम कैंपेन कर सकें और ट्वीट कर सकें। जितने ज्यादा ट्वीट होंगे उतना ही ज्यादा असरदार आपकी डिजिटल स्ट्राइक होगी। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स में बहुत नॉलेज है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था कि मोदी रोजगार दो पे, मैंने एक ट्रेंड करने के लिए ट्विटर पे ट्रेंड करने के लिए एक वीडियो डाला था, उसके नीचे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे कमेंट किए। स्टूडेंट्स ने अपना मुद्दा उठाया कि सर EWS में जो इन्होंने रिलैक्सेशन तो दे रखी है, एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे रही EWS के अंदर? बिल्कुल ठीक, सही बात स्टूडेंट की सही है कि EWS में बाकी रिलैक्सेशन है तो एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दी जा रही, ये पहली चीज है। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हरियाणा सिविल सर्विसेज का इन्होंने जो है हर साल एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं करवा रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स के और भी बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसा डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं कि सर इससे रिलेटेड भी सरकारों को जागना चाहिए, तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, फिर उससे रिलेटेड हम और जानकारी यहाँ पर इकट्ठी करके वीडियो बनाएंगे, स्टूडेंट्स तक अवेयरनेस पहुंचाएंगे। फ्रेंड्स, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अब आपको आगे आके रोजगार लेना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और रोजगार यहाँ पर मांगने पड़ेंगे सरकारों से, तभी रोजगार मिलेंगे। अब आपको पता है HSSC क्या करती है, फॉर्म फिल करवा लिए, फिर उसके बाद क्या हो गया,
दोबारा से फॉर्म री एडवर्टाइज कर दिए चीजों को। अभी कांस्टेबल के लास्ट ईयर उन्होंने फॉर्म फिल करवाए, फिर दोबारा से भी उन्होंने निकाल दिए, तो ऐसा ये क्यों कर रही है सरकारें। अब मान लीजिए क्लर्क के लिए एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम ये DHBVN के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, HBVN के लिए ये अलग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए ये अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी रिसेंट इन्होंने ये DHBVN के लिए HSSC के अंदर SDO लगाए थे। SDO में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 84% अदर स्टेट के सिलेक्ट हुए हैं, 16% सिर्फ हरियाणा से सिलेक्शन हुई है। आप मान सकते हो कि मान लीजिए अगर वहां पर 100 वैकेंसीज भी थी SDO की, तो सिर्फ 16 ही हरियाणा से लगे हैं, 84 जो है अदर स्टेट के। तो ऐसा क्यों, जब हम ये इलेक्शन जीत के आते तो क्या कह रहे थे 75% रोजगार तो हरियाणा वालों को ही मिलेगा, अब कहां गए वो 75% वाला, यहां तो 16% पे ही रह गया सारा कुछ। तो आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, दूसरे स्टूडेंट्स को जागरूक कीजिए, जब तक आप में जागृति नहीं आएगी तब तक यहाँ पर रोजगार मिलना मुश्किल है। आप खुद बहुत अच्छा प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर क्रिएट कीजिए सरकारों पे, ये ट्रेंड करवाइए, मोदी रोजगार तो ट्रेंड हो रहा है ये 25 फरवरी से, तो आपको इसमें भी पार्टिसिपेशन करना है। और ये हरियाणा वाले प्लीज इसमें जरूर पार्टिसिपेशन करें, अब हरियाणा वालों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी अवेयरनेस जो है कैंपेन बिहार वाले चला चुके हैं, यूपी वाले चला चुके हैं, तो अभी आपकी बारी हरियाणा वालों। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड तो 33% अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर ही है, तो आपको तो ये सब बहुत पहले कर देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी यहाँ पर इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकें। अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने पेरेंट्स के अकाउंट से, अपने पेरेंट्स के मोबाइल से खुद यहाँ पर ट्विटर इंस्टॉल करके ट्वीट कीजिए, उनके नाम से ट्वीट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, ताकि ये जो आपकी डिजिटल स्ट्राइक है ये सफल हो सके। चलिए कोई और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, उससे रिलेटेड फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और ये जरूर याद रखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तीनों हैशटैग डाल दूंगा, ताकि आपको इस याद रहे। थैंक यू।